नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहा। जहां सरकार समाज की बेटियों की संरक्षा और सुरक्षा की बात करती हो, जहां बेटियों को आगे बढ़ने और पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता हो, वहां अगर कोई बेटी छेड़खानी और उसकी किडनैपिंग के डर से स्कूल जाना छोड़ दे, तो बेटियों की सुरक्षा का दम भरने वाले सिस्टम को खुद से सवाल करने चाहिए कि क्या वो वाकई बेटियों की सुरक्षा कर रहा है या सिर्फ दिखावा। ऐसा ही एक मामला राजसमंद में देखने को मिला है। मामले में पुलिस पर संवेदनहीन होने का भी आरोप लगा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन सुनकर सीना ये सोचकर चौड़ा हो जाता है कि हमारा समाज बेटियों के लिए कितना गंभीर है। वैसे स्लोगन खासकर उन बेटियों को बचाने की बात पर जोर देता है जिनको कोख में ही मार दिया जाता है। लेकिन उन बेटियों का क्या जो सिर्फ इसलिए घर की चार दीवारी में कैद हो जाती हैं क्योंकि घर की दहलीज लांघते ही उन्हें शहदों का शिकार होना पड़ता है या कोई अपराधी उसे उठा ले जाने की धमकी दे देता है। वाह रे भगवान, ये हमारे सभ्य समाज का असभ्य चेहरा है। मामला राजसमंद का है। दसवीं में पढ़ने वाली पीड़ित छात्रा के परिवार ने कांकरोली थाने में कुछ ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई है। मैं दसवीं पढ़ती हूँ, मेरी पढ़ाई खराब हो रही है। सरपंच सहित ग्यारह लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देते, रास्ते में परेशान करते, मुझे देख के बाथरूम करने लग जाते, सीटी बजाते, जोर जोर से बोलते उठा लेंगे उठा लेंगे। और मेरे परिवार, तीनों भाई और मेरे परिवार के बारे में ऐसे बोलते, तेरा परिवार मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें तुझे उठा के ले जाएंगे, और कोई थाना कोई पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरपंच साहब ऐसे बोलते कि प्लीज थाने में तो सब मेरे मिलने वाले, प्लीज और मेरे घर पे आके चाय पानी पी के जाते। लेकिन पुलिस का इकबाल देखिए, दबंगों के आगे भरभरा कर गिर गया। पीड़ित की शिकायत में सरपंच का नाम क्या आया, पुलिस के हाथ पांव फूल गए। राजनीतिक रसूख ऐसा कि आला अधिकारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। पुलिस से जब उम्मीद टूटी तो परेशान परिवार कोर्ट की शरण में पहुंच गया। बाबा ग्राम पंचायत का सरपंच बेला सिंह सहित 11 लोग ये बदमाश रस्ते में छेड़खानी करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जैसे मनुष्य नहीं जानवर कर रहे हैं। बच्ची को देखकर रस्ते में बाथरूम करने लग जाते हैं, सीटी बजाते हैं, मोटरसाइकिल आदि फेरते हैं। इस कारण इसको लेकर मैंने एसपी साहब को भी परिवाद दिया और आईजी को दो बार देके आया हूँ। कांकरोली थाने पर फोन किया लेकिन मौके पर कोई नहीं आया। सर मेरे घर पे हमला हुआ, इस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही है और इस कारण से हम बहन को अपनी बढ़ा पाएंगे। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बसी भावा ग्राम पंचायत के सोनियाड़ा गांव का ये मामला है। परिवार का आरोप है कि 6 महीने से सरपंच प्रहलाद चारण अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बेटी को परेशान कर रहा था। हालात ऐसे बन गए कि बिटिया ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। उनके ग्रुप के लोग, उनके जो भी गुंडे बाल रखे हैं सरपंच साहब के, वो बोलते कभी कभी इनके साथ में नजर आए जान से मार देंगे और तू ऐसी एसटी का हमारे बराबर कैसे बोटा बेटा, ऐसे बोलते। उनके रास्ते में अकेला मिल गया तेरे हाथ पर तोड़ देंगे और दम हो तो हमारे खिलाफ कुछ भी करके दिखा। गाले देते, मोटरसाइकिल आदि फिरते और गंदी गंदी गाले देते, पेशाब करने लग जाते, ऐसे वैसे बोलते। पीड़ित बच्ची ने अपनी आप बीती अपनी क्लास टीचर को भी सुनाई और वो किसी कारण बस पूरे सितंबर महीने में एब्सेंट रही है। हमने उसको पहले फोन पे सूचना दी और बच्चों के जरिए भी मैसेज भेजा कि अटेंडेंस शॉर्ट पड़ जाएंगी, अगर लगातार अनुपस्थित रहेगी तो नाम पृथक हो सकता है, फिर लिखित नोटिस दिया। बच्ची दसवीं की छात्रा है, परिवार को डर उसकी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी सता रहा है क्योंकि सवाल बिटिया के भविष्य और उसकी सुरक्षा का है। अब जरा आरोपी पक्ष की भी सुन लीजिए। जुगड़े में इनके आपसी क्लोज केस भी हुए जिसमें गायरी परिवार ने ऐसा मतलब उनकी मानसिकता है कि सरपंच गुजर परिवार का पक्ष ले रहे हैं और उनका पक्ष लेता है बार बार, तो इस वजह से वो मेरे को भी इस मामले में घसीटा। मामला तो झगड़े का था, मारपीट का था, लेकिन उसमें मैं वहाँ पे नहीं होते हुए भी मेरा नाम दिया गया और इस तरह की मतलब छेड़छाड़ की घटना को इसमें बताया गया है जो कि बिल्कुल ही झूठी और निराधार है। पुलिस ने तो पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली लेकिन अदालती दखल के बाद कांकरोली पुलिस ने सरपंच प्रहलाद सिंह चारण समेत 11 लोगों के खिलाफ धारा 354, 451, 351 के साथ कुछ अन्य धाराओं के अलावा पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया।
फिलहाल देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय कब तक और क्या मिलता है। विनीता पालीवाल, जी मीडिया, राजसमंद।